जम्मू में श्री अमरनाथ गुफा के नजदीक अचानक आई मूसलाधार बारिश की वजह से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 38 श्रद्धालु घायल हैं। इस आपदा में लगभग 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। कई लोगों को इस दौरान बचाया भी गया। 2 घंटे गुफा के पास 31 mm बारिश दर्ज की गई। पत्थर और भारी मात्रा में मलबा ऊपर से नीचे आ गया। कई कैंप तबाह हो गए और 3 लंगर भी तबाह हो गए। आपको बता दें कि बादल फटने के दौरान गुफा के पास लगभग 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से घटना की पूरी जानकारी ली। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं ने भी इस घटना पर दुख जताया है। जैसे ही बादल फटने की घटना हुई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी जैसी सभी एजेंसी राहत और बचाव कार्य में जुट गई। एनडीआरएफ की 3 टीमें तो कल रात में ही वहां शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेस की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है, जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, जेएनके पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, बीएसएफ है, एसटीआरएफ है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहां पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। बादल फटने की जो घटना सामने आई है, उसके वीडियो जैसे देखने को मिल रहे हैं, वो वीडियो बहुत ही भयानक है। हर आदमी वहां पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए। हम लोग तो रास्ते में बर्फ भी गिर पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मलेटी वाले रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। बस बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश, पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की रावटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे 2-4-6-8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। वीडियो में देखा जा रहा है कि पवित्र गुफा के पास से अचानक तेज पानी की धारा निकलने लगती है। जैसे ही गुफा के पास मलबा और पानी आने के साथ तेज आवाज आई, वहां पर भगदड़ मच गई।